बीच यूपी एसटीएफ की एक टीम ओडिशा के बरगढ़ जिला में मौजूद है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस दौरान गुड्डू ना तो हाथ आया, लेकिन एसटीएफ ने एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि जिस गाड़ी से गुड्डू मुस्लिम वहां पहुंचा था, उस गाड़ी के ड्राइवर का वो करीबी है। उधर प्रयागराज सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी यानी कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में हो सकता है। हालांकि प्रयागराज पुलिस गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है और अब भी पुलिस के हाथ कोई खास जानकारी लगी है कि वो अब बंगाल में है और वहां कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश में है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में चोरी के किसी केस में गिरफ्तार होने की कोशिश में है ताकि वो यूपी आने से बच सके। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को एनकाउंटर का डर है और इसी वजह से वो पश्चिम बंगाल में ही चोरी के आरोप में गिरफ्तार होकर वहीं की किसी जेल में बंद होने की फिराक में है। और अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने शूटरों के दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इन मोबाइल फोन में हालांकि सिम कार्ड नहीं है। पूछताछ में शूटर्स ने बताया कि अतीक की हत्या के लिए निकलने से पहले ही उन्होंने मोबाइल से सिम कार्ड नष्ट कर दिए थे, लेकिन मोबाइल फोन में डायल नंबर एसटीएफ को मिल चुके हैं जिसे शूटरों ने एक होटल के कमरे में छिपा कर रखा था। ये प्रयागराज का वही होटल था जहां अतीक की हत्या के आरोपी शूटर ठहरे थे और अतीक की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। यूपी एसटीएफ को यहां से दो मोबाइल फोन बरामद हुए। हालांकि बरामद हुए मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं मिले। अतीक की हत्या के लिए निकलने से पहले शूटरों ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और मोबाइल से सिम निकाल कर उसे नष्ट कर दिया था ताकि पुलिस को उनके बारे में कोई सबूत न मिले। हालांकि शूटर मोबाइल फोन में डायल नंबरों को डिलीट करना भूल गया जो उनकी सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है। अतीक का फायदा एसटीएफ को मिल गया है। एसटीएफ को दोनों मोबाइल में डायल सभी नंबर मिल गए। अब एसटीएफ इन मोबाइल नंबरों की जांच में जुट गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शूटर किसके संपर्क में थे। यानी कि अब एसटीएफ के हाथ सुपारी देने वाले के गिरेबान के बेहद करीब पहुँच चुके हैं। पूछताछ में शूटरों ने ये भी बताया कि वो ई रिक्शा से अतीक और अशरफ की रेकी करने आते थे। तीनों शूटरों ने पूछताछ में अपना मोबाइल नंबर भी बताया जिसे वो इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने आवास 12 तुगलक लेन को छोड़ देंगे। राहुल गांधी आज दोपहर में अपने आवास को खाली कर देंगे। आज की तारीख यानी कि 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को अपना घर खाली करना है। उधर आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शहीद बता दिया, जिसके 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद अब अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर कहा कि वो इस हत्याकांड का बदला लेगा और मुसलमानों को मुक्त करवाएंगे। जिसके बाद भारत की जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई और यूपी में संवेदनशील इलाकों समेत प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अलकायदा दुनिया भर में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। असम के करीमगंज इलाके में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई तो कई घर तबाह हो गए। और जहां जहां से होकर ये तूफान गुजरा उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। करीमगंज इलाके में तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। हवा की रफ्तार के सामने मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए।